नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात बताने वाले हैं कि जो आपकी 2021 की मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या यही मेरिट लिस्ट है या क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना दी जाए। और ये मेरिट लिस्ट है, ये कंफर्म बता दूँ, ये मेरिट लिस्ट नहीं है। ये जिन भी स्टूडेंट्स के फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए हैं, उनकी ये नाम आए हैं। किस किस के नाम आए हैं वो आप चेक कर सकते हैं, कहाँ चेक कर सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपके लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, आपको एक ये लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज एंड आपके सामने शो होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला नोटिस आप चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जिसमें दे रखा है कि जो आपका संशोधन की डेट दी गई थी, जो भी आपके जो फॉर्म है, फॉर्म पर आपके मार्क्स वो गलत एंटर हो गए हैं, तो आपको मौका दिया गया था, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका था कि आपको करेक्शन कैसे करना होगा और जीमेल आईडी कैसे सेंड करनी होगी। तो उसकी अब जिसमें फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनके अब नाम आ गए हैं, लिस्ट आ गई है पूरी, जिन भी स्टूडेंट्स के जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड, देख पा रहे होंगे इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आप इसमें विषय देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों को प्रतिशत की जगह CGPA एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के प्राप्तांकों को गलत अंकित किया गया है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म जब भरा गया था तो उन्होंने अपना जो परसेंट में उनका मार्क्स भरे जाने थे उन्होंने CGPA में भर दिए हैं, और तो इस कारण उनके फॉर्म क्या रिजेक्ट कर दिए, किस किस के कर दिए, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दी थी कि आपको करेक्शन कैसे करना है जिन भी स्टूडेंट्स का भर गया है। सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप CGPA में अपने जो नंबर हैं वो आपको वो अपने फिल कर दिए हैं, ये आपको नहीं करना था, सारे परसेंटेज में आपको बढ़ने थे। और उसको मौका फिर से एक बार दे दिया था, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये दे दिया था 13/3/2022 तक, एक बार और खुला गया था कि आप लास्ट मौका दिया जा रहा है, और इतने तक आप इसमें कार्यालय में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये आपकी CPSP@upsmfac.org पर आप जाके एक बार और आप संशोधित कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में बता दिया है आपको, सबसे पहले क्या करना था, आईडी डालनी थी, एप्लीकेंट्स नेम डालना था, फादर्स नेम, और करेक्शन डिटेल्स में क्या करना डालना था, रिक्वायरमेंट, करेक्शन रिक्वायरमेंट, और फील्ड नेम क्या था, और करेक्टेड डाटा, इसके रिगार्डिंग बता दिया था। ये आपको करके आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देना आता था, और वो डाटा आपको फैकल्टी को मिल जाएगा। तो आप देख पाएंगे उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्शन नहीं कराया था, अब उन्होंने बोल दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने करेक्शन अभी तक नहीं कराया उनकी लिस्ट हम आपको भेज दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अगर 13/2 तक उन्होंने अभी नहीं कराया होगा तो उन्हें मेरिट लिस्ट में उनका नाम शो नहीं होगा, ये साफ साफ इसमें नोटिस में बोल दिया है। तो देख पा रहे अगर आपका इसमें नाम होता है तो आप इसमें ज़रूर चेक करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, देख पा रहे संख्या हम 50-51 के समथिंग इसमें है। तो इसमें देख पा रहे हैं गलत क्या भरा है, ये हम आपको एक बार बता दें। जैसे कि अब देख पा रहे हैं, एक हम इसमें से ले लेते हैं फ़ोन नंबर का, आदित्य कुमार, जैसे आदित्य कुमार सन ऑफ है रत्नेश कुमार, इसने हाई स्कूल में क्या है, हाई स्कूल परसेंटेज देख पा रहे होंगे तो 6.20 CGPA में इन्होंने परसेंटेज भर दिए हैं, जो कि नहीं भरने थे, आपको जो भरना था वो परसेंटेज में भरना था, इनने क्या किया है CGPA में भर दिया है। इसी प्रकार सब देख पा रहे होंगे, ज़्यादातर ने क्या किया CGPA में भर दिया है। अब ऐसी केमिस्ट्री का आप देख पाएंगे, केमिस्ट्री में किसी ने गलत नंबर भर दिए हैं, मैथ्स में गलत भर दिए हैं, तो उन सबका इसमें डिटेल आ गया है। ये सारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर इन्होंने 13/2 तक इन्होंने करेक्शन नहीं कराया होगा, डेट देख लें एक बार कब तक, 13/3 तक, 13 मार्च तक आपने करेक्शन अगर नहीं कराया होगा, फैकल्टी को नहीं ईमेल आईडी पर सेंड किया है, तो आपको मेरिट लिस्ट जो जल्द आने वाली है आपके सामने वो आपका उसमें नाम नहीं आएगा। और यही रीज़न है कि मेरिट लिस्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि आपने जो डाटा है वो फैकल्टी को पहले उन्होंने मौका दे दिया, जिन्होंने करेक्शन कराना है वो करा दें, फिर एक बार फिर मौका दिया जिन्होंने स्टूडेंट नहीं कराया, तो 13 मार्च तक आप करेक्शन करा लें, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो अब उनका लिस्ट में मेरिट लिस्ट जो भी आने वाली है उसका अब उनमें नाम नहीं आएगा उनका, क्योंकि उन्होंने डाटा जो फैकल्टी को वो गलत अपलोड कराया गया है। तो फ्रेंड्स, अब देख पाए, और सबसे ज़्यादा
इसका रीजन यही है कि अभी आपका जो चुनाव चल रहे थे उसका रिजल्ट आना था, तो अब उसका रिजल्ट आ गया, तो अब पूरी तैयारी कर ली गई है फैकल्टी की ओर से कि आपकी मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। आज 22 मार्च है, तो आप समझें इस महीने तो नहीं पर नेक्स्ट मंथ यानी कि आपका अप्रैल के 10 तारीख तक आपको इसकी मेरिट लिस्ट अवश्य देखने को मिलेगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर से जरूर वेरीफाई करवा के तैयार कर लें, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, आप चिंता ना करें कि मेरिट लिस्ट कब आती है, अगर इस मंथ भी जब भी कैसे भी आने की संभावना होती है तो हम आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही इस चैनल को ग्रो कराना है। इससे पहले जो चैनल था हमारा वो किसी कारणवश बंद हो गया था, तो अब ओपन नहीं हो रहा, जिसमें हमारे 10K सब्सक्राइबर्स थे यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो चैनल अब मेरा बंद हो गया है। तो इस चैनल पर आपको सारी वीडियो देखने की मिलेगी। लास्ट जो चैनल था मेरा पैरामेडिकल क्रैकर था, अब ये पैरामेडिकल अपडेट्स नाम से रीओपन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आपको ग्रो कराना है, आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।